अच्छी लाडली बहना योजना इन बहनों को आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सार्थक पहल है। बहनों के खातों में डाली गई योजना की दूसरी किस्त को लेकर प्रदेश की बहनें सूबे के मुखिया को धन्यवाद दे रही हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से प्रदेश की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। महिलाओं के खातों में हर महीने सरकार 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है, जिससे महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। महिलाएं खुश हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दे रही हैं। मैं शिवराज भैया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें लाडली बहना समझा और हमें 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई। उससे हम लोग ने बहुत बच्चों के लिए फीस मतलब इकट्ठी हुई है और उससे बहुत सहारा मिला है उनसे। हम शिवराज भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। छिंदवाड़ा की रहने वाली सीमा कंचनपुरे के खाते में 1,000 रुपए की राशि पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। वो बताती हैं कि इस राशि से वो अपने बच्चों की फीस आसानी से भर रही हैं। मैं शिवराज सिंह भैया को नमस्कार करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे 1,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है और उस राशि से मैंने अपने बच्चों की फीस भरी हूँ और आगे चलकर यही राशि मैं अपने बच्चों में ही लगाऊंगी। धन्यवाद। जिले में अब तक लाडली बहना योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रदेश की लाडली बहनों में योजना को लेकर खासा उत्साह है। जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत हमारी जो लाडली बहना योजना के तहत में जो हितग्राही हैं महिलाएं, उसमें अभी जो द्वितीय किस्त जारी हुई है लगभग वो 3,87,000 के आसपास की महिलाएं हैं, जिनमें 36 करोड़ के राशि उनको स्वीकृत करके जारी की गई है। और काफ़ी अच्छा ये है कि हमेशा उनसे जो बाइट वगैरह ली जा रही है उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रथम किस्त के बाद में सेकेंड इसमें भी उनको काफ़ी उत्साहित रही हैं वो कि 1,000 रुपये की राशि उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है, ऐसा उनका व्यक्तिगत अनुभव वो शेयर भी करती हैं। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्तव्यनिष्ठ हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बना रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।